तो फाइनली आज हम इन्फिनिक्स GT20 प्रो का करने वाले हैं फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट एंड 0 to 100% फुल चार्जिंग टेस्ट। पोको X6 प्रो, मोटो H50 फ्यूजन एंड नथिंग फोन 2A के साथ कंपैरिजन भी करेंगे इसके बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड का। चारों स्मार्टफोन 5000 mAh बैटरी वाला है, तो देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन कितने घंटे चलता है 5G नेटवर्क के साथ। चार्जिंग स्पीड GT20 प्रो के साथ मिल रहा है 45 वॉट का, पोको के साथ 67 वॉट और मोटो के साथ 68 वॉट। नथिंग सपोर्ट करता है 45 वॉट फास्ट चार्जिंग, बट चार्जर कंपनी ने इसके साथ नहीं दिया। तो आज मैं इसको चार्ज करने के लिए मोटो H50 प्रो का 68 वॉट वाला चार्जर यूज करने वाला हूँ। इन्फिनिक्स GT20 प्रो में मीडिया टेक का डेमेसिटी 8200 अल्टीमेट चिप लगा है, पोको X6 प्रो में डेमेसिटी 8300 अल्ट्रा, मोटो में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 एंड नथिंग फोन 2A में स्नैपड्रैगन 7200 प्रो। सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 14 बेस्ड रन कर रहा है चारों स्मार्टफोन में, चारों का सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। पोको में काफी टाइम के बाद हाइपर ओएस 1.0.8.0 का अपडेट आ चुका है। सिक्योरिटी पैच मोटो में मार्च का है, इन्फिनिक्स में अप्रैल का, पोको और नथिंग में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मई का सिक्योरिटी पैच मिल गया। नाउ डिस्प्ले, इन्फिनिक्स एंड मोटो में 144 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले लगा है, पोको एंड नथिंग में 120 हर्ट्ज वाला एमोलेड, बट डिस्प्ले रेजोल्यूशन पोको में मिल रहा है 1.5K, बाकी तीनों में फुल HD प्लस। पीक ब्राइटनेस इन्फिनिक्स एंड नथिंग फोन 2A में मिल रहा है 1300 निट्स, पोको में 1800 और मोटो में 1600। तो आज हमने मोटो एंड इन्फिनिक्स GT20 प्रो को 144 हर्ट्ज पे रखा है, बैटरी मैंने सबका फुल कर दिया है एंड सारे एप्स को क्लोज कर दिया है। चारों डिवाइस में जियो 5G सिम लगा है, नो वाईफाई एंड आज चारों डिवाइस का ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम 75% के आसपास रहेगा। गाइस सबसे पहले हम कैमरा यूज करने वाले हैं, यानी 4K 30fps पे एक घंटे हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, देखते हैं फोन कितना गर्म होता है रिकॉर्डिंग करने के बाद। वैसे फिलहाल चारों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर मोर और लेस सेम ही दिख रहा है, 36-37 डिग्री के आसपास। अगर आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करना है तो चारों स्मार्टफोन में आपको 30 एंड 60fps दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, बट 4K रिकॉर्डिंग अगर करना है ओनली इन्फिनिक्स के साथ आपको 60fps मिलेगा, बाकी तीनों के साथ 30fps। तो चलिए 4K 30fps रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। रुकावट के लिए खेद है, एक न्यू फोन सेटअप कर रहा था और सेटअप करने के टाइम मेरा जीमेल अकाउंट जो है ना वो साइन इन कर रहा था, सिक्योरिटी रीजन की वजह से पुराने फोन में नोटिफिकेशन आता है कंफर्मेशन के लिए, तो ये वही है जिस फोन में मैं ऑलरेडी साइन इन कर चुका हूँ उसको यूज करो, उस पर नोटिफिकेशन आता है कंफर्मेशन के लिए, तो ये वही था। एक घंटा फुल 4K 30fps पे रिकॉर्डिंग करने के बाद इन्फिनिक्स GT20 प्रो 82 पे दिख रहा है, 18% बैटरी ने ड्रॉ किया एक घंटे में, पोको X6 प्रो 84 पे दिख रहा है 16% बैटरी ने ड्रेन किया है एक घंटे में, मोटो H50 फ्यूजन 86 पे दिख रहा है 14% बैटरी ने ड्रेन किया है, थोड़ा कम इन दोनों से, एंड नथिंग फोन 2A ने भी 18% बैटरी ड्रेन किया है एक घंटे में, 82 पे दिख रहा है। कैमरा के बाद सोशल मीडिया, अब हम शॉर्ट्स प्ले करेंगे एक घंटे सेम सेटिंग्स पे। आज के वीडियो में स्टैंड बाय बैटरी बैकअप चेक नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइमिंग ही कुछ ऐसा सेट हो गया आज, बाकी तीनों का तो स्टैंड बाय मोड पे कई बार मैं बैटरी बैकअप के बारे में बता चुका हूँ, बट इन्फिनिक्स GT20 प्रो का आज पहला वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में स्टैंड बाय बैटरी बैकअप चेक करके आप लोगों को बता दूंगा कितना बैटरी रात भर में ड्रेन करता है इन्फिनिक्स। तो यूट्यूब शॉर्ट्स भी हमने एक घंटे चला लिया एंड दो घंटे के बाद इन्फिनिक्स GT20 प्रो 72 पे दिख रहा है, इस घंटे इसने 10% बैटरी ड्रेन किया है, पोको भी 74 पे दिख रहा है, 84 पे था इसने भी 10% बैटरी ड्रेन किया है, मोटो H50 फ्यूजन 86 पे था 78 पे दिख रहा है 8% बैटरी से ड्रेन किया है, एंड नथिंग फोन 2A 82 पे था 74 पे दिख रहा है इसने भी 8% बैटरी ड्रेन किया। शॉर्ट्स के बाद अब एक घंटे रील्स सेम सेटिंग्स पे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मोटो H50 प्रो देखने को मिल सकता है, मैंने ऑलरेडी परचेस कर लिया है, सेटअप कर चुका हूँ और थोड़ा यूज कर रहा हूँ। गाइस कुछ और फोन्स भी परचेस करने का प्लान है जिसके बारे में आप लोग कमेंट्स करते रहते हो, उनमें से कुछ फोन्स मेरे पास था जिसको ऑलरेडी मैं बेच चुका हूँ, फिर से मुझे खरीदना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैश का प्रॉब्लम है। मैं ट्राई कर रहा हूँ सारे फोन्स को कवर करने का, अगर आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखोगे तो फ्यूचर में हर एक नया फोन जो पॉपुलर है मैं उसको खरीद कर उसका वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो गाइस एक घंटा रील्स भी हमने चला लिया, टोटल 3 घंटा हो चुका है, एंड इन्फिनिक्स GT20 प्रो 64 पे दिख रहा है 8% बैटरी ने ड्रेन किया है, पोको 64 पे ये भी दिख रहा है 10% बैटरी ने ड्रेन किया है, मोटो 70 पे दिख रहा है 8% बैटरी में ड्रॉप हुआ एक घंटे में, एंड नथिंग फोन 2A 64 पे दिख रहा है 74 पे था इसमें इस बार 10% बैटरी ड्रेन हुआ। कैमरा सोशल मीडिया के बाद अब होगा मल्टीमीडिया, अब हम 1080p वीडियो प्ले करने वाले हैं यूट्यूब पे। जो वीडियो मैंने ओपन किया ये एक HDR वीडियो है एंड सारे फोन में 4K तो दिख रहा है बट मोटो में HDR का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो गाइस हम 1080p HDR वीडियो प्ले करेंगे 2 घंटे के लिए, मोटो में ओनली 1080p रहेगा, नो HDR।
नॉर्मली पोको X6 Pro 75% ब्राइटनेस के साथ इसका डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं दिखता है, बट HDR कंटेंट में पोको X6 Pro का डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट दिख रहा है इवन 75% ब्राइटनेस के साथ। गाइस पोको में जो 1800 nits पीक ब्राइटनेस मिल रहा है ना, ये एक्चुअली HDR कंटेंट के साथ वर्क करता है जो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ग्रेट, तो 2 घंटे हमने यूट्यूब वीडियो चला लिया, टोटल 5 घंटा हो चुका है। एंड इन्फिनिक्स GT20 Pro 41 पे दिख रहा है इसने 23% बैटरी ड्रेन किया है 2 घंटे में। HDR कंटेंट में इतना ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले होने की वजह से पोको X6 Pro ने थोड़ा ज्यादा ही 32% बैटरी ड्रेन कर दिया है। एंड मोटो जिसमें HDR वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसने ओनली 14% बैटरी ड्रेन किया है, 70 पे था 56 पे दिख रहा है। नथिंग फोन 2 है 64 पे था 40 पे दिख रहा है, इसने 24% बैटरी ड्रेन किया है 2 घंटे में। तो कैमरा, सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया के बाद अब होगा गेमिंग टेस्ट। अब हम BGMI खेलेंगे 2 घंटे स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे। गाइस ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत सारा टाइम, पेशेंस एंड डेडिकेशन लगता है। नाउ इतना एफर्ट डालने के बाद अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे देन प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ये बहुत मैटर करता है। एंड गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। पोको X6 Pro 6 घंटे 35 मिनट में ही खत्म, 32% बैटरी में बचा हुआ था जो ओनली 1 घंटे 35 मिनट चला। वैसे अगर ये यूट्यूब में इतना ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता तो आराम से आधे घंटे 45 मिनट्स और चल सकता था। तो गाइस तीनों स्मार्टफोन ने 2 घंटा गेमिंग कर लिया, टोटल 7 घंटा हो चुका है। 7 घंटे के बाद GT20 Pro दिख रहा है 10 पे, 31% बैटरी इसने 2 घंटे में ड्रेन किया है। मोटो दिख रहा है 24 पे, इसमें 32% बैटरी ड्रेन हुआ है। एंड नथिंग दिख रहा है 11 पे, 40 पे था, इसमें ओनली 29% बैटरी ड्रेन हुआ है 2 घंटे में। अब गाइस हम टास्क को रिपीट करेंगे, फिर से 1 घंटे रील्स चलाएंगे। ओके, इन्फिनिक्स GT20 Pro 7 घंटे 39 मिनट में ही खत्म, मुझे लगा था ये 8 घंटे तक चल जाएगा। एक्चुअली इसका एंड का 10% ओनली 39 मिनट चला रील्स। ओके, नथिंग फोन 2A भी 7 घंटे 54 मिनट में डेड, एंड का 11% इसका 54 मिनट चला। लास्ट वीडियो में भी नथिंग फोन 2A 8 घंटे चला था। 5000 mAh बैटरी वाला एक और स्मार्टफोन मोटो H50 फ्यूजन ने 8 घंटे कंप्लीट कर लिया है एंड अभी भी 12 पे दिख रहा है। चलिए अब गेमिंग करते हैं, फिर से BGMI खेलते हैं सेम सेटिंग्स पे। आठ घंटे 37 मिनट में फाइनली मोटो H50 फ्यूजन भी खत्म, इनका 12% इसका 37 मिनट चला ओनली। मोटो H50 फ्यूजन का अलग अलग फोन्स के साथ मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो शेयर कर चुका हूँ एंड हर वीडियो में ये 8 घंटे आराम से क्रॉस कर जाता है। वैसे इन्फिनिक्स ने थोड़ा सरप्राइज किया मुझे, मुझे ऐसा लगा था कि ये शायद पोको X6 Pro जितना ही बैटरी बैकअप देगा, बट ये 1 घंटे एक्स्ट्रा चल गया। हे गाइस, तो बैटरी ड्रेन हो गया, चलिए अब स्टार्ट करते हैं चार्जिंग टेस्ट। सारे फोन्स के साथ उसका ओरिजिनल चार्जर मैंने कनेक्ट कर लिया है एंड नथिंग फोन 2A के साथ मोटो H50 Pro का 68 वाला चार्जर कनेक्ट कर लिया है। चार्जिंग बूस्ट फीचर जिसमें अवेलेबल था उसमें ऑन कर दिया है, सारे ऐप्स को क्लोज कर दिया है, डेटा ऑफ कर दिया है और ब्राइटनेस को कम कर दिया है 50% के आसपास। 10 मिनट से हम चार्ज कर रहे हैं, GT20 Pro 16% चार्ज हुआ है, पोको 17, मोटो 20% और नथिंग 9% चार्ज हुआ है। मिनट में GT20 Pro 25% चार्ज हुआ है, 28 पोको, 31 मोटो और 18% चार्ज हुआ है नथिंग फोन 2A। 20 मिनट से हम चार्ज कर रहे हैं, 33% चार्ज हुआ है इन्फिनिक्स, 38 पोको, 42 मोटो और 27 नथिंग फोन 2A। 23 मिनट में मोटो 51% चार्ज हो गया है, पोको 45 और GT20 Pro 40% चार्ज हुआ है। पोको X6 Pro ने 51% चार्ज कंप्लीट करने में 27 मिनट के आसपास ले लिया।
आधा घंटा लगा GT20 Pro को 50% चार्ज कंप्लीट करने में। Poco 56% चार्ज हो चुका है, Moto 64 और 44% Nothing Phone 2A। 34 मिनट के आसपास ले लिया Nothing Phone 2A ने 50% चार्ज कंप्लीट करने में मोटो के चार्जर से। मोटो एज 50 फ्यूजन ने 80% चार्ज कंप्लीट कर लिया कुछ 37 मिनट के आसपास में। 38 मिनट के बाद पोको X6 Pro 69 पे दिख रहा है, 62 पे GT20 Pro। मोटो एज 50 फ्यूजन 90% चार्ज हो गया कुछ 42-43 मिनट में। एंड गाइस 43-44 मिनट लिया पोको X6 Pro ने 80% चार्ज कंप्लीट करने में। 45 मिनट से हम चार्ज कर रहे हैं GT20 Pro, 73% चार्ज हुआ है, पोको 82%, 92% मोटो एज 50 फ्यूजन एंड 65 नथिंग फोन 2A। ऑलमोस्ट 50 मिनट ले लिया GT20 Pro ने 80% चार्ज कंप्लीट करने में। पोको 89% चार्ज हुआ है, 72% नथिंग फोन 2A एंड 95% मोटो एज 50 फ्यूजन। 50 मिनट कुछ सेकंड्स 90% चार्ज हो गया पोको X6 Pro। गाइस सबसे पहले फुल चार्ज कंप्लीट किया मोटो एज 50 फ्यूजन ने 54 मिनट कुछ सेकंड्स में। नथिंग फोन 2A ने 55 मिनट ले लिया 80% चार्ज कंप्लीट करने में। पोको 95 पे दिख रहा है, 88 पे GT20 Pro। ओके GT20 Pro 90% चार्ज हो चुका, पोको 97 पे दिख रहा है। एक घंटा हो गया चार्जिंग को, GT20 Pro 93% चार्ज हुआ है, पोको 85% नथिंग फोन 2A। एंड फटाक से एक मिनट के अंदर पोको X6 Pro 98 से सीधा 100 फुल चार्ज हो गया। 45 वॉट के चार्जर से GT20 Pro ने फुल चार्ज कंप्लीट करने में 1 घंटा 7 मिनट लिया, 94 पे दिख रहा है नथिंग फोन 2A। एंड फाइनली नथिंग फोन 2A भी 1 घंटा 17 मिनट में फुल चार्ज हो गया मोटो एज 50 प्रो के चार्जर से। ये चारों स्मार्टफोन ने फुल चार्ज कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया था, 80% और 50% चार्ज कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, सब कुछ मैंने लिख दिया है। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे खत्म, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और नए स्मार्टफोन के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।